अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको अपनी वीडियो में बताऊंगी कि जिन बर्ड्स को चर्बी लग जाती है उनके तीन बहुत ही आसान हल, जिससे आपके बर्ड्स को जो चर्बी लगी हुई होगी वो बहुत हद तक 99% तक ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो मेरे पास एक एग्जीबिशन फीमेल की बच्ची, इसको चर्बी लगी, तो मैंने उसके जो उसका सोल्यूशन किया वही मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करने वाली हूँ। तो अगर आपके बर्ड्स को चर्बी लग जाए, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, अगर उनको चर्बी लग जाए तो आपने क्या करना है। सॉल्यूशन नंबर वन, ठीक है, एप्पल साइडर विनेगर, सेब का सिरका, आपने 1 लीटर पानी में 1 चम्मच सेब का सिरका मिला देना है और बर्ड्स को वो देना है। ये पानी आपने 24 घंटे रख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ठीक है, और इसी तरह आप 1 लीटर पानी में 1 चम्मच, 2 लीटर पानी में 2 चम्मच डालते हैं। आपने इसमें टेबल स्पून डालने हैं, टी स्पून नहीं। ठीक है, नंबर दो सोल्यूशन है कि आपने लेमन, नींबू का इस्तेमाल करना है। आपने जो उनका पानी वाला बर्तन है, जैसा कि ये इधर पानी वाला बर्तन आप देख सकते हैं, इसमें 2 कतरे नींबू के रस के निचोड़ देने हैं। ठीक है, ये आप पानी इनको डेली दे सकते हैं, लेकिन जो सेब के सिरके वाला पानी है वो आपने 1 दिन छोड़ के 1 दिन देना है, हफ्ते में 2 से 3 दिन। नींबू का पानी आप डेली दे सकते हैं, लेकिन सिरके का पानी आप डेली नहीं दे सकते हैं। सोल्यूशन नंबर थ्री, जो हम जीरा खाने में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, सफ़ेद ज़ीरा, आपने सफ़ेद ज़ीरा ले लेना है 1 छोटा चम्मच, उसे 1 गिलास पानी में भिगो देना है। एक उस पानी को पूरी रात पड़ा रहने देना है। ठीक है, उसको ढांप के रख दें और सुबह उठ के आपने 1 लीटर पानी में वो 1 गिलास मिक्स कर देना है और आपने वो पानी अपने बर्ड्स को प्रोवाइड करना है। तो इस तरह से बहुत जल्दी आपको जो है जो बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे। ये नंबर वन पे सेब का सिरका, नंबर टू पे नींबू और नंबर थ्री पे जो है सफ़ेद ज़ीरा। ये तीनों जो हैं नुस्खे जो बहुत ही मुफीद हैं चर्बी के मामले में, क्योंकि चर्बी अगर बर्ड्स को लग जाए तो वो ब्रीड नहीं कर पाते, एग बाइंडिंग का मसला हो जाता है, वो फ्लाई नहीं कर पाते, वो सुस्त हो जाते हैं, उनको सांस उनकी बहुत ज़्यादा फूलती है। तो ये मैंने इसलिए आपको तीन उसके बताए हैं, तीनों में से जौन सा आप यूज़ करना चाहें कर सकते हैं। बाकी अपने बर्ड को थोड़े बड़े केज में छोड़ें, उसे ज़रा फ्लाइंग करवाएं 3 मिनट सुबह, 3 मिनट रात को, और इतनी के उसको ज़रा सांस ज़रा उसका फूल जाए, 3 मिनट काफ़ी है। ठीक है, और ये अमल आपने गर्मियों में सुबह और रात के टाइम करना है, सर्दियों में आप किसी भी वक्त कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगी। ओके, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल का आइकन प्रेस करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।